गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड आई एम प्रज्ञा बेहरा एंड टूडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द रियल नंबर्स. इन द प्रीवियस क्लास वी टॉक अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर, दैट इज फंडामेंटल थियोरम ऑफ अरिथमेटिक एंड यूक्लिड डिविजन लेमा. लेट्स स्टार्ट द टूडेज क्लास. कोई मुझे बता सकता है हम पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? रियल नंबर्स का दो प्रॉपर्टीज पढ़े थे. क्या होता है वो दो प्रॉपर्टीज? एक था क्या? यूक्लिड डिवीजन लेमा. वेरी गुड, यूक्लिड डिवीजन लेमा. और सेकंड था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. वेरी गुड. ओके, अभी मुझे बताओ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता क्या है? क्या होता है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as the product of prime as the product of prime factors. Very good. Product of prime factors. Okay, अभी मुझे बताओ कि रेशनल नंबर क्या होते हैं. तुम लोगों को 9th क्लास में पढ़ा रहा होगा कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर. अभी मुझे बताओ रेशनल नंबर क्या होता है, जिस फॉर्म को हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके, जिस फॉर्म को हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, वो है q not equal to 0. एंड p और q क्या है? क्या है? इंटीजर्स. ओके, p एंड q क्या है? इंटीजर्स. इरेशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते. ओके, इरेशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर. ओके, तो तुम लोगों को तो ये नहीं पता होगा कि रेशनल नंबर को कैसे जानते हैं और इरेशनल नंबर को कैसे जानते हैं, पता है क्या? नो मैम. तो आज हम जानेंगे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को देख के हम कैसे पहचान लेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर को हम कैसे पहचान सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट द टुडेस क्लास जिसका टॉपिक होगा रेशनल और इरेशनल नंबर. लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास जिसका टॉपिक होगा इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को कैसे पहचानते हैं. ओके, एक इरेशनल नंबर का एग्जांपल क्या है? देखो, इरेशनल नंबर जिसको हम p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब वो इरेशनल का एग्जांपल क्या है? तुम लोग 9th क्लास में पढ़े थे √2, √3, पाई, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर. ओके, तो हम कैसे जानेंगे कि ये इरेशनल नंबर है? इसको हम अभी प्रूव करेंगे कि √2 एक इरेशनल नंबर है. और तुम लोग अच्छे से देखो, देखो अगर मैं √4 ली, 4 क्या है? कंपोजिट नंबर. 4 क्या है? कंपोजिट नंबर. तो इसको अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगी तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. लेकिन देखो 2 और 3 क्या है? प्राइम नंबर. 2 और 3 क्या है? प्राइम नंबर. अगर इसका मैं रूट ओवर निकालूंगी तो इसका रूट ओवर नहीं निकलेगा, मतलब निकलेगा लेकिन वो क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा. ओके, वो क्या हो जाएगा? नॉन डोमिनेटिंग हो जाएगा, मतलब पॉइंट के बाद कुछ ऐसा नंबर आएगा जो नॉन डोमिनेटिंग हो जाएगा. ओके, देखो तो मतलब हम क्या कंक्लूड किए कि इरेशनल नंबर कौन सा नंबर होता है जिसका, मतलब p अगर हमारा प्राइम फैक्टर है, अगर उसका हम रूट ओवर निकालते हैं तो p जो प्राइम फैक्टर है जिसका रूट ओवर हम निकालने वाले हैं वो क्या हो जाता है? इरेशनल नंबर. ओके, वो क्या हो जाता है? इरेशनल नंबर. तो अभी हम जानेंगे कि इरेशनल नंबर को हम कैसे प्रूव करेंगे. हम इरेशनल नंबर को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से प्रूव करेंगे. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. ओके, तो अभी हम प्रूव करेंगे कि √2 कैसे एक इरेशनल नंबर है. ओके, देखिए अभी हम प्रूव करेंगे. Prove that √2 is an irrational number. Okay, √2 is an irrational number. हमारा irrational number क्या होता है? जिसको हम p by q form में नहीं लिख सकते. और rational number क्या होता है? जिसको हम p by q form में लिख सकते हैं. Okay, इसको prove करने के लिए हम क्या करेंगे? हम लेंगे कि नहीं, पहले हम मान लेते हैं कि √2 एक rational number है, मतलब उसको हम p by q form में लिख सकते हैं. ओके, तो हम लिखेंगे लेट अस
assume that root 2 is a rational number. Okay, that means it can be expressed as the form of a by b, where b not equal to 0. And a or b kya hai? Ye both important hai. A and b are co-primes. Abhi co-prime mein word aa gaya. Abhi co-prime ka matlab kya hai? Dekho, co-prime kya hota hai? Agar ye 3 aur 5 li, ये co-prime है. क्यों? इनका HCF क्या है? 1 है. 1 के अलावा इनका कोई HCF नहीं है. इनका common क्या है? 3 का क्या है? 1 और 3 prime factor, prime number है. उसका factor 1 and 3 है. और 5 का क्या है? 1 and 5. इन दोनों में common कौन है? 1. Okay. तो इसीलिए 3 और 5 क्या हो गया? एक क्या हो जाएगा? Co-prime हो जाएगा. Okay. तो जिसका HCF 1 होता है, वो क्या होता है? Co-prime होता है. वो दो नंबर को हम कोप्राइम बोलते हैं. अभी हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं. रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. ओके, तो हम क्या अज्यूम किए कि रूट 2 को हम a बाय b फॉर्म में लिख सकते हैं. तो रूट 2 को हम लिख लिए a बाय b. अब हम कुछ नहीं करेंगे, अभी बस स्क्वायर करेंगे. रूट 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? a स्क्वायर बाय b स्क्वायर. अभी क्या हो गया? 2 इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर. अभी 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर आ गया. ओके, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. इसका मतलब b स्क्वायर क्या है? स्क्वायर बाय 2, स्क्वायर बाय 2. ओके, दैट मींस स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. और हमको पहले से ही पता है, अगर स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 हुआ, 2 कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है. ये जो बाय 2, यहां पे 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है. अगर स्क्वायर कोई भी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो a भी क्या हो जाएगा? a इज डिविजिबल बाय 2. ओके, इसका और एक एग्जांपल देखिए. देखो, अगर 9 इज डिविजिबल बाय 3, 3 क्या है? प्राइम नंबर है. तो 9 ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है. तो 3 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3. ओके, समझ में आया? अभी ये हो गया. क्या हो गया? स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. ओके, हमको ये पता चल गया, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2. अभी देखो, अभी क्या है हमारा? 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. a इज डिविजिबल बाय 2. ओके, तो a को हम कुछ a इक्वल टू 2m लिख सकते हैं, वेयर n इज एन इंटीजर. हम क्यों लिखे? क्योंकि a क्या है? a इज डिविजिबल बाय 2. तो a को हम 2 इनटू समथिंग लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि a क्या हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है. अभी बस कुछ नहीं करना, इसको क्या करना है? इस फार्मूला में, नहीं तो इस फार्मूला में पुट करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है. ओके, a इक्वल टू 2m, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 2m का स्क्वायर हो जाएगा. 2b स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर. ओके, तो अभी b स्क्वायर कितना आ जाएगा? b स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर. b स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर. m स्क्वायर क्या हो गया? b स्क्वायर बाय 2. देखो, यहां पे क्या, यहां पे जो आया था हमारा, क्या आया था? a स्क्वायर बाय 2. तो अभी क्या हो जाएगा? b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. ओके, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. अगर b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो b भी क्या हो जाएगा? b इज डिविजिबल बाय 2. ओके, तो देखो, यहां पे a इज डिविजिबल बाय 2 और b इज डिविजिबल बाय 2. लेकिन हम लोग क्या लेते हैं? a और b का सिर्फ एक ही फैक्टर आ सकता है, और वो कौन है? 1. तो हमारा जो अजम्पशन था कि a एंड b क्या है? कोप्राइम है, वो तो रन हो गया. ओके, तो a एंड b जो कोप्राइम है, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग. अजम्पशन इज रॉन्ग. ओके, क्यों? देखो, अगर a इज डिविजिबल बाय 2 हुआ, तो a का एक फैक्टर 2 भी हो जाएगा, और पहले 1 था. ओके, यहां पे b इज डिविजिबल बाय 2, मतलब b का एक फैक्टर 2 हो गया, तो दोनों में कॉमन 2 आ गया. लेकिन हम लोग क्या जाने थे? कोप्राइम मतलब क्या? बस एक ही फैक्टर हो सकता है, और वो एक ही फैक्टर क्या है? 1 है. लेकिन यहां पे 2 आ गया, मतलब हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया. सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग. सो वी कैन से रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. ओके, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर हमारा.
अभी नेक्स्ट एक देखेंगे क्वेश्चन. प्रूव दैट 5 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर. ओके, 5 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर. देखो पहले जो था थोड़ा लेंदी था, अभी ये एक मिनट में सॉल्व हो जाएगा. देखो कैसे करते हैं, 5 प्लस 3 इज एन इरेशनल नंबर. हम पिछले बार जैसे किए तो ऐसे करेंगे. लेट अस क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, अज्यूम दैट 5 प्लस 3 इज ए इरेशनल नंबर. ओके, दैट मींस उसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट मींस वी कैन एक्सप्रेस 5 प्लस रूट 3 एज ए बाई बी फॉर्म वेयर बी नॉट इक्वल टू 0 एंड ए एंड बी क्या है, ए एंड बी आर कोप्राइम्स. ओके, अभी देखो 5 प्लस रूट 3 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 प्लस रूट 3 इक्वल टू ए बाई बी ऐसे हम लिख सकते हैं. ओके, अभी देखो रूट 3 कितना हो जाएगा हमारा, ए बाई बी माइनस 5. इसको अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा. अभी बी बी फिर यहाँ पे ए माइनस 5 बी ऐसे कुछ फॉर्म में आएगा. तो रूट 3 क्या है, ऐसे फॉर्म में आया, मतलब ये कौन सा फॉर्म है, बी बाई क्यू फॉर्म है. ये क्या है, बी बाई क्यू फॉर्म है. वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0. लेकिन हमको पहले से क्या पता है, रूट 2 रूट 3 और रूट 5 ये सब क्या होता है, इरेशनल नंबर. सो यहाँ पे हमारा गलत हो गया, ये तो बी बाई क्यू फॉर्म में आ गया तो हमारा गलत हो गया. सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, क्योंकि ये बी बाई क्यू फॉर्म में आ गया. लेकिन हमको पहले से ही पता है रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है. इरेशनल नंबर कभी बी बाई क्यू फॉर्म में नहीं आ सकता है. सो वी कैन से दैट, वी कैन से दैट 5 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर. ओके, रूट. फ्रेंड्स तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर. ओके, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर. ओके, देखो 9th क्लास में तुम लोग पढ़े थे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर कितने टाइप का होता है, कोई मुझे बता सकता है? दो टाइप का होता है. क्या क्या होता है? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मी नेटिंग रिकरिंग. ओके, दो टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. अभी मुझे कोई बता सकता है कि एक अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन दी ऐसे 2/3, 4/5, 7/8 ऐसे करके, कोई मुझे बता सकता है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, कोई बता सकता है? नहीं. ओके, तो आज हम लोग जानेंगे इसको हम कैसे देख के हमको पता चल जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. ओके, अभी देखो देखो तुम लोग बचपन से पढ़े आ रहे हो 0.875, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 875 डिवाइड बाई 1000 ऐसे करके लिख सकते हैं. ओके, 0.2 इसको हम कैसे लिखेंगे, 2/10 ऐसे लिखते हैं ना. डेसिमल प्लेसेस के बाद जितने भी क्या होते हैं नंबर होते हैं उतना शून्य हम लगा देते हैं. ओके, तो ये हो गया 2/10. देखो 10 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 2 से कटेगा 5, 2 और 5 आ गया, ये दोनों क्या है 10 का प्राइम फैक्टर है. ओके, तो 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5 ऐसे करके लिख सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे 1000 को अगर हम लिखेंगे वैसे करके लिख सकते हैं, 2 का समथिंग और 5 का समथिंग ऐसे करके लिख सकते हैं, 875 डिवाइड बाई 2³ × 5³. हियर 2 और 5 ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है ना. 2 और 5 क्या है, प्राइम नंबर है. ओके, अभी देखो 2 और 5 हो गया हमारा प्राइम नंबर, और ये सब क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है. क्यों, कैसे पता चलेगा, देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्यों है अभी मैं तुमको बताऊंगी. हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और मैं तुम लोगों को सिखाऊंगी
कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे पता चलता है। ओके, अभी हम जानेंगे कि ये क्या होता है, ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है इसको हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे या नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ओके, देखो पहले क्या है, 17 बाई 8। तुम लोगों और कुछ नहीं करना बच्चों, देखो बस 8 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे हम। 8 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 टू द पावर क्यू है। ओके, 8 का प्राइम फैक्टर क्या है, 2 टू द पावर क्यू है, और ऊपर क्या है 17। अभी क्या आ गया, 2 आ गया। ओके, एक बात याद रखो, अगर डिनोमिनेटर में क्या, डिनोमिनेटर में अगर 2 या 5 या 2 एंड 5 बोथ अगर ये आ गया तो वो क्या है, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो डेसिमल एक्सपेंशन, क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ गया, 2 टू द पावर क्यूब आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ओके, ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। अभी देखो सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे क्या है, 64 डिवाइड बाई 4 5 5। 64 को 64 रहने देते हैं, 4 5 5 को क्या करेंगे, उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो 5 में कटेगा। ओके, 5 × 13 × 7। हमारा यहाँ पे 5 तो आया लेकिन उसके साथ और दो नंबर भी आ गया, 13 और 7 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्योंकि हमारा क्या था, ओनली 2 आना चाहिए, नहीं तो ओनली 5 आना चाहिए, या 5 का कुछ पावर आना चाहिए, नहीं तो बोथ 2 और 5 होना चाहिए। अगर 2 के साथ कोई और नंबर आ गया तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अभी थर्ड नंबर देखेंगे, 29 बाई 343। ओके, 29 के जगह पे 29 लिख लिए, 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे 7 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अभी देखो 13 बाई 3125। 3125 इसको अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3125 5 625 5 125 5 25 5 5। ओके, 5 बार 5 आया मतलब 5 टू द पावर 5। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 आया, तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके, ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अभी लास्ट है, क्या है, इसको तो देख के पता चल जाता है कि ये टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है और 5 है, दोनों 2 और 5 है, तो हमारा जहाँ पे डिनोमिनेटर पे 2 और 5 बोथ आ जाता है वो क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। ओके, तो देखो, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग रेशनल। ये एक रेशनल नंबर है और ये एक रेशनल नंबर है। ओके, ये तो टर्मिनेटिंग है, तुमको देख के पता चल जा रहा है, कुछ पॉइंट के कुछ देर बाद ये क्या हो जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग हो गया। ओके, अभी ये क्या है, अभी देखो ये क्या है, बार आ जाएगा, मतलब ये क्या हो रहा है, ये जो नंबर है वो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। पॉइंट के बाद कैसे, ये कैसे लिखेंगे हम, 5 6 7 8, फिर 5 6 7 8, ऐसे ऐसे करके आएगा, 5 6 7 8, ऐसे ऐसे करके आएगा, तो ये क्या है, ये कभी टर्मिनेट ही नहीं होता है, वो इन्फिनिटी तक चलता है, तो वो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। उसके साथ क्या हो गया, एंड रिपीटिंग, क्या हो रहा है, ये रिपीटिंग, ये हो जाएगा रिपीटिंग। लेकिन देखो, अगर रूट टू का वैल्यू हम लेंगे, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं रूट टू, ओके, इसका क्या होता है वैल्यू, 1.41423 5 6, ऐसे ऐसे करके चलता है, ये क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी क्या होता है, एंड नहीं होता है, इसका वैल्यू ऐसे ऐसे करके चलता रहता है, और ये क्या होता है, नॉट रिपीटिंग, ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये सेंटेंस रिपीट हो रहा है क्या, 4 1 4, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5, फिर 6, फिर 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, ऐसे ऐसे चलता है, ये कुछ पर्टिकुलर जो है वो नंबर वो कभी रिपीट नहीं होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट रिपीटिंग। तो हम लोग आज क्या जाने कि टर्मिनेटिंग होता है रेशनल नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है, एंड नॉन टर्मिनेट एंड नॉट रिपीटिंग होता है। ओके बच्चों, तो अभी मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, तुम लोगों को उसका आंसर देना है। ओके ओके, तो अभी तुम लोग मुझे ये बताओ, डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप का होता है? टू टाइप। ओके वेरी गुड, क्या क्या होता है?
टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, तो नॉन टर्मिनेटिंग कितने टाइप का होता है? टू टाइप्स. क्या क्या होता है? रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग. नॉन रिपीटिंग, वेरी गुड. तो आज मैंने जो पढ़ा है आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं.